हमने बात की राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, कल आपकी रैली थी, केजरीवाल जी भी वहाँ गए, तिरंगा रैली, उसको कैसे देखते हैं और जो अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है उसको कैसे देखते हैं? हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के पूरे देश में कदम बढ़ते रहे और बढ़ते हुए कदम कल हरियाणा में पहुँचे। कल हरियाणा में अरविंद जी के साथ में पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी थे। बहुत भारी भीड़ थी, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा था। उस तिरंगा यात्रा के अंदर जींद शहर के अंदर जो यात्रा निकली तो पूरा शहर साथ में था और बहुत संख्या इतनी थी कि जहाँ पे जिस गली के अंदर हर इंच में आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था। बहुत अनुशासित तरीके से वो यात्रा हुई जिसके अंदर परिवर्तन की मांग की। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि अब हरियाणा में भी अच्छे स्कूल आए, हरियाणा में भी अच्छे हॉस्पिटल आए, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह फ्री बिजली और पानी मिले, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, हरियाणा के अंदर भी अपराध मुक्त जीवन हो। हरियाणा का किसान चाहता है कि पंजाब और दिल्ली की तरह फसल खराबी का मुआवजा उसे मिले। दिल्ली की रैली के बारे में आपको, रामलीला मैदान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सत्ता के लालच का अजब उदाहरण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा कि ना तो वो देश के संविधान को मानते और ना ही देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मानते, सर्विसेज को अपने पास रखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लेकर आए। उस अध्यादेश के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की पावर को कम किया, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर को कम किया। अरविंद केजरीवाल जी उस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए हिंदुस्तान की हर विपक्षी पार्टी के पास जा रहे हैं और दिल्ली की जनता को अपील किया कि रामलीला मैदान में आए और वहाँ पे अपना रोष प्रदर्शन करें। इस अहंकारी शासन जड़ से उखाड़ फेंकने का काम। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।